नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम 24 और मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवादा की बड़ी खबरों के साथ। नवादा में फिर मिले 16 कोरोना नए मरीज, शनिवार को सरकार ने आंकड़े किए जारी। नवादा के बलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एसएसबी के जवानों ने किया पौधरोपण। नवादा कांग्रेस कार्यालय में बेगूसराय विधायक रामदेव राय के निधन पर जताया गया गहरा शोक व्यक्त, 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नवादा में पलटी ऑटो, 2 महिलाएं हुई घायल। नवादा बस स्टैंड बुधौल की है घटना, दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में फिर एक 10 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबकर हुई मौत, फसिल थाना क्षेत्र के असाढ़ी गांव का था मृतक। उदा तालाब में उधरे रह गया, बाकी छोटा छोटा बच्चा था सब बहुत आया घर के अनमोल बाने गेल से उन्हें हम लोग जैसे उसका पहले चचा गया, चचा देखा कि पॉइंट वही रखा हुआ था, वही रखा हुआ था, उसी में जो है सो तालाब में कूदा, तालाब में कूदा तो इसका उसका पैर बजा, पैर बजने के बाद जैसे ही हल्ला किया अनमोल बाबू, फिर हम लोग देखे सब जो है तो, हाँ पूरे धान में दौड़ते हुए जैसे 10-20 आदमी बच्चे। कौन गांव का मामला? असाढ़ी।